सब गाइस कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस यार आज हम लोग खेलने जा रहे हैं एविल नन पार्ट टू। तो जैसे कि आप सभी लोग को याद होगा कि पार्ट वन के अंदर नन ने हमें एक बहुत बड़े भूल भुलैया से स्कूल के अंदर किडनैप करके रखा हुआ था और हमने काफी ज्यादा कोशिशों के बाद मास्क कलेक्शन करके पहेलियां सोल्व करके वहां से जितने भी बच्चे बंद थे उन सभी को लेकर एस्केप कर लिया था। और ये तो गाइस पार्ट टू है, तो ये और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। मुझे नहीं पता नन इस बारी क्या करेगी, कहां हमें बंद कर रखा है, बट जो भी है अभी ना फिलहाल जल्दी से हम लोग गेम को स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत खतरनाक वाइब आ रही है साउंड से ही। और अगर आपने साउंड नहीं लगाया तो हेडफोन या ईयरफोन लगाकर वॉल्यूम फुल कर लो, और अगर होम थिएटर है तो लाइट जला के देख रहे हैं भाई, पता चला पीछे आके खड़ी हुई है, मजाक कर रहा है जरे। ओके तो अभी फिलहाल गाइस जल्दी से हम लोग अपनी गेम स्टार्ट करते हैं। एंटर नेम, ओके लेट्स गो। यहां पर हम लोग अपना नेम डाल देते हैं। डियर पेरेंट्स ऑफ उज्जवल, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट ड्यू टू रीसेंट इंसिडेंट एट द स्कूल योर चाइल्ड हैज बीन पनिश्ड। Do not expect any more news until their bad behavior has been addressed. भाई ये तो एकदम अलग ही का लेटर सा लिख दे भाई उसने हमारे खिलाफ। हम लोग इस टाइम चलो कोई नहीं, अभी गेम स्टार्ट करते हैं तो ही हमें पता चलने वाला है। Let's go. इसकी भैंस की टांग ऐड की भर दूंगा इसमें एक दिन। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल अपना गेम स्टार्ट हो चुका है और बैकग्राउंड में एक पियानो बज रहा है। ओके ये ऐसी स्टार्टिंग होगी, मैंने सो गाना भी गाने लगी वो। ओ भाई ये नन है, एक सेकेंड। अबे ये बिल्कुल भी डेंजरस नहीं लग रही। पार्ट वन में तो ये काफी बुढ़िया सी थी, बुढ़िया तो नहीं थी पर हाँ इसके दांत वहां एकदम लाल से थे, डेंजरस से। बट अभी तो यार ये एकदम नॉर्मल सी है। जवान कैसे हो गई यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। ओके ये तो यार जैसे नींद आ जाएगी इसको, मैं सुन लूंगा। तो सिस्टर मेड लाइन, यहाँ पर मेन क्या सीन है इसका? यहाँ पर ये इसका रूम है आई थिंक। अभी ये मेड लाइन है या फिर अच्छा इसका मेन ना नेम है सिस्टर मेडलीन होगा। ओके ठीक है। हाँ उस लेटर में गाइस नीचे लिखा भी हुआ था एस डॉट एम डॉट। किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही है भाई। यार ये नन इतनी सही कैसे हो गई भाई, इसका दिमाग खराब हो रहा है। साउंड धीरे धीरे चेंज हो रहा है, कुछ और ही जल गया पेपर। ये इसका दिमाग खराब हुआ। अच्छा नहीं कोई बच्चा रो रहा है, गेट बंद भाई। क्या चल रहा, किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है मेरे को। स्टोरी में स्किप कर सकता हूँ पर मैं नहीं करना चाहता, मेरे को समझना अच्छे से। भाई मैं फंसा पड़ा हूँ यहाँ पर। ओ भाई ये क्या है? हेलो इतने मस्कुलर चिकन कहाँ से आ गए उसके पास? भाई इसका मुंह देखो कहाँ पर, अबे दो मुंह है। ओ भाई गमी रूस्टल एनटीसी वाले का नाम दिखने का। ओ भाई 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 ये क्या चल रहा है भाई। तो गाइस देखो बिना फिलहाल नन अपना एक चिकन लेकर यहां से जा चुकी है। अब भाई ये ना देखने में तो एक नॉर्मल कॉक जैसे ही लग रहे हैं पर काफी ज्यादा मस्कुलर हैं, बहुत ज्यादा इनकी बॉडी शॉडी बनी पड़ी है। अभी फिलहाल यहां पर मेरे को पहले खड़ा होना है। ओके तो शायद से मैं बैठा हुआ था अभी तक। ओके तो मेरे को यहां से आगे जाना है। मूव क्लोजर टू इंट्रैक्ट। ओके ठीक है तो यहां पर एक गेट मैंने खोल दिया और अभी मेरे को क्या करना है भाई। ये देख रहे हो आप कितने ज्यादा डेंजरस से लग रहे हैं और अच्छी बात हुई है कि दोनों सो रहे हैं। तो तीसरे वाले का नाम है मिस्टर सी और जो गया उसका नाम है गमी, इसका नाम है रूस्टल। और यहाँ पर इनके कुछ एक्स भी रखे हुए हैं भाई। ये मेरे को पता है क्या लग रहा है कि अलग एनिमल्स के साथ ना इनकी क्रॉस ब्रीडिंग करवा रही है। इसका ऐसा लग रहा है ना कि किसी बैट का हाथ हो भाई, काफी ज्यादा डेंजरस है। और इस तरफ में कुछ ड्रॉर्स हैं जिसमें हमेशा कुछ निकलता नहीं है। और अभी फिलहाल यहाँ पर एक वेपन पीस है, वेपन पीस। ओ हम लोग इसमें वेपन्स भी ले सकते हैं, चलो बढ़िया है। ये क्या है? ओपन द वार्डरोब एंड हाइड इनसाइड। ओके ठीक है। हाँ ये तो मेरे को पता, देख के ही मेरे को लग रहा था। एंड अभी को अंदर जाना है क्या? अच्छा मेरे को क्राउच होकर अंदर जाना है क्या शायद? हाँ अच्छा ठीक है तो मेरे को यहाँ पर क्राउच होकर अंदर आना है। ये मैं छुप गया इधर आके, लेट्स गो। ये तो मेरे को खैर पता था। और एक सेकेंड ये नन्ना गाइस अभी आगे का कोई है, उसका ये वाला चिकन सो नहीं रहा है। वो ये दोनों भी बाहर आ गए भाई। यू नीड टू एस्केप द स्कूल। ओके मैं बाहर निकलूं कि नहीं? वो आगे गए तो हैं, मेरे को रिस्क लग रहा है थोड़ा सा। ओके गेट खोलते हैं, यहाँ से आगे चलकर देखते हैं क्या सीन है।
यहाँ पर पीछे कुछ ड्रॉर्स थे ना इसको, भाई वो अभी बाहर ही है, मेरे को बहुत ज्यादा डर सा लग रहा है। ओके अपने पास गाइस कम से कम एक जगह तो हो गई है छुपने के लिए, ठीक है। और अभी फिलहाल वो शायद से चलकर आ रहा है। आई थिंक अब मेरे को बाहर निकलना चाहिए, वो यहाँ से जा चुका है, मैं धीरे धीरे ही आगे बढ़ने वाला हूँ, कोई जल्दबाजी मेरे को करनी नहीं। ओ नहीं 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 अबे नहीं मेरे को, ओ भाई हेलो भाई, ये कितना ज़्यादा डेंजरस है। मैं जैसे ही बाहर गया भाई वैसे ही भाग के मेरे पीछे आ गया। ओके अभी अपने पास सिर्फ और सिर्फ दो रात हो रहे। ओके कोई दिक्कत की बात नहीं, अपनी दूसरी रात यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर जो दोनों चिकन है वापस से ना अंदर आ चुके हैं। अभी जल्दी से ना गाइस मैं ये उठाता हूँ। ओके यहाँ पर अच्छा है, ये नेट्स ऑफ एग है, एंटर द पैसेज। ओ भाई ये सीक्रेट रास्ता है कोई, ओहो वाओ ये तो मेरे को पता ही नहीं था। पर मैं तो यहाँ से आ गया, कहीं ऐसा ना हो कि वो चिकन भी यहाँ से आ जाए, क्योंकि वो वाला ना इसी के अंदर रहता है। ओ